नमस्कार साथियों, आज हम आए मैन शालीमार गार्डन में कोनार पब्लिक स्कूल के पास। स्कूल के सामने जो टंकी बनी हुई है जर्जर हालत में है, इसको बने हुए 12 साल हो गए, लेकिन घर का लेंटर क्या 12 साल में खराब हो जाता है, जो ये टंकी 12 साल में खराब हो चुकी है, जर्जर हालत में, इसका जीना भी लटका हुआ है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। समुदाय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, भयभीत हो रखे हैं इस टंकी को लेकर। आइए क्या समस्या है जानते समुदाय लोगों को। सर नमस्कार जी, बताइए सर क्या समस्या है। दिक्कत ये है कि टंकी 12-13 साल हुए हैं इसे बने हुए अभी, ठीक है, और देखो झरझर हालत में है बिल्कुल, कॉलोनी का निकलना है, बच्चे खेलते हैं इसके अंदर पार्क में, उससे गिरने की आशंका है, तो आपसे यही अनुरोध है कि इसका कराएं मुख्यमंत्री साहब से मिलके या विधायक जी से मिलके। ये झरझर हालत में कब से है सर? ये तो 6-7 महीने हो गए झरझर हालत में, जीना लटका पड़ा है, आप खुद देख लें, जीना गिर गया है, लटका पड़ा है इसका। क्या आप लोगों ने प्रशासन से कंप्लेंट करी? नहीं अभी तो नहीं करी है, जब लटका हुआ है सुबह तो आप लोगों को पहले इत्तला करिए, क्योंकि आपके माध्यम से ज्यादातर वो होगा जी। कितने लोग इस समस्या से प्रभावित तो होंगे, कितने घर कॉलोनी में निवास करते हैं? होंगे 10,000 घर तो होंगे, और फिर मेन चीज आप देख रहे हो रोड निकलता हुआ पब्लिक निकलती है जी। कोनार पब्लिक स्कूल भी है जहाँ बच्चों को जाऊँगा लगता है, हादसे का बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा वो है, कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी टाइम भी हो सकता है, हादसे का क्या पता, आप खुद देख लो जीना लटका पड़ा है अभी, है गाड़ियाँ निकल रही है, किसी के ऊपर भी टंकी के पिलर डैमेज हो चुके हैं। क्या कहने चाहेंगे प्रशासन? बस यही प्रशासन से, इस टंकी को डैमेज कराया जाए, दूसरी टंकी का निर्माण कराया जाए, ये टंकी बिल्कुल खत्म लगती है। थैंक यू सर। बताइए सर क्या समस्या? ये टंकी अभी थोड़े टाइम पहले ही बनी थी, इसको 2008 में मेरे ख्याल से 7 या 8 के अंदर इसका निर्माण हुआ था, फिर बहुत जल्दी लीक हो रही है हर जगह से, इसके पिलर भी लीक हो रहे हैं, आप इसकी पिक्चर करेंगे तो देखेंगे कई जगह से लीक हो रही है, अभी इसकी सीढ़ी अपने आप ही गिर गई, वो तो शुगर है, पार्क के अंदर कोई था नहीं, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, बस धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, बताइए सर क्या समस्या सर? बस मैडम देखिए आपको, आपने देख लिया, बाकी सही हो जाए तो बढ़िया। क्या सही हो जाए? टंकी का दोबारा से स्टेजर बनना चाहिए, ये टंकी वैसे कामयाब होगी, कल चुके अभी जीने भी नहीं गिर रहे। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही कि इसको दोबारा से नए तरीके से बनाया जाए, भाई किसी के चोट वोट ना लगे, बाकी प्रशासन तो ना दोबारा से बनाया जाए और सही तरीके से बनाया जाए। क्या 10 साल में घर का लेंटर खराब हो जाता है, जैसे अभी ये 10 साल भी नहीं हुए इसको बने हुए? नहीं 10 साल में लेंटर कभी खराब हो जाए, तो फिर ये ऐसे देखो पिलर बीच के अभी उन्होंने बनाया, उन्होंने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, मटेरियल की वजह से अब जो बने सही तरीके से अच्छा बनाया गया, जिससे किसी को ना जान का ना माल का हानि ना हो। कितने लोग इस समस्या से प्रभावित होंगे सर? जैसे अभी अगर टूटती है तो पता नहीं कितने होंगे, स्कूल भी है सामने देखा जा रहा है यहाँ पे, अगर किसी के चोट लगती है तो उसका पूरा परिवार ही है, उसके दिन पता नहीं कितने लोग हैं, वही अंदर खेलना कूदना मजदूर कुछ भी है, वाहन चलते हैं, पार्क भी है, बच्चे भी खेलने आते हैं। थैंक यू। यहाँ के समुदाय लोगों से बैठक की, उनकी समस्या यानी स्कैनर की आवेदन पत्र लिखा जल निगम के अधिकारी को, हम जल निगम के अधिकारी के ऑफिस गए, जय सर से मिले, उनको हमने आवेदन पत्र दिया, उनको वीडियो भी दिखाया, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि मैं इस पर जल्दी कार्रवाई करूंगा। साथियों, आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नई रिपोर्ट के साथ। थैंक यू साथियों।